इस महीने दर्शकों को बड़े पर्दे पर अंडरवर्ल्ड के डॉन अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की बायोपिक देखने को मिलेगी। आशिम अहलूवालिया के निर्देशन में बनी डैडी में जहां अर्जुन रामपाल ने गवली का किरदार निभाया है, वहीं अपूर्व लखिया की फिल्म हसीना में श्रद्धा पारकर के रोल में है। फिल्म का नाम दाऊद की बहन पर ही रखा गया है, लेकिन इससे पहले की फिल्म रिलीज हो, क्या आपको पता है कि गवली और पारकर के बीच क्या रिश्ता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। दरअसल यह बात 1980 के दशक की है। उस समय अरुण गवली को दाऊद इब्राहिम के स्मगलिंग किए हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि दाऊद और अरुण के मेंटर रमा नाइक जमीन के टुकड़े को लेकर हुए विवाद के बाद बाहर हो गए, जिसके बाद उसी साल दाऊद ने रमा को मरवा दिया और फिर गवली ने डी कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस गैंगवार में दाऊद ने अरुण के भाई बपा को मरवा दिया था। फिर गवली ने भी बदला लेने के लिए साल 1991 में डॉन के साले इस्माइल पारकर को शूटरों से मरवा दिया। इस्माइल हसीना पारकर के पति थे। अपने पति की मौत के बाद हसीना अंडरवर्ल्ड की क्वीन बनी। वो नागपाड़ा के गोल्डन हॉल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। यही जगह उसके अपराधों का हेडक्वार्टर थी। जल्द ही हसीना ने अपने भाई दाऊद के मुंबई के बिजनेस को अपने कब्जे में ले लिया और नागपाड़ा की गोडमदर बन गई। अरुण गवली पर बनी डैडी जहां 8 सितंबर को रिलीज हो रही है, वहीं हसीना 22 सितंबर को सिनेमा घरों में आएगी। अर्जुन रामपाल की बात करें तो उनका कहना है कि बायोपिक से मेरा मन भर गया है। अर्जुन ने यह भी बताया कि वह आखिर क्यों इन बायोपिक फिल्मों में काम नहीं करना चाहते हैं। रामपाल ने कहा, यह फिल्में आपका बहुत सा वक्त ले लेती हैं और ईमानदारी से कहूं तो अब से कुछ सालों तक मैं बायोपिक फिल्में करना ही नहीं चाहता हूं। हाँ, हो सकता है कि कुछ सालों बाद मैं इस तरह की कोई फिल्म कर लूं यदि मैं किसी शख्स की कहानी से खुद को बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूं।